आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सही है, सबसे पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग आपको वो पेयर ऑफ एलिमेंट्स बताना है जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो देखने को मिलती है, राइट। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, राइट। फिर हमारे पास क्या है, बेरीलियम है। आपके पास क्या है, एलुमिनियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, और आपके पास क्या है, कार्बन है, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है, फाइन। सो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, सो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात करती हूँ, सो हमें क्या है, इनकी ईएन वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। सो हाइड्रोजन की आपको पता होनी चाहिए कि ये होती है आपके पास 2.20, फॉस्फोरस की होती है 2.19, राइट। बेरीलियम की होती है 1.47, एलुमिनियम की होती है 1.61, नाइट्रोजन की होती है आपके पास 3, क्लोरीन की होती है आपके पास अगेन 3, एंड कार्बन की होती है हमारे पास 2.55, ये होती है हमारे पास, राइट। अब हमारा पहला पेयर क्या है, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस का। सो देखो कि आप हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की क्या, आपकी क्या नियरली सेम है, इसकी 2.20 एंड 2.19। सो इन दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अब अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ, सो आपके पास बेरीलियम और एल्यूमिनियम। सो देखो इनमें काफ़ी डिफरेंस है, सो ये आपका नहीं होगा। नाइट्रोजन क्लोरीन की आप साफ साफ देख सकते हो, दोनों की 3-3 है, सो ये आपका भी सेम होने वाला है। पर अगर मैं कार्बन और फॉस्फोरस की बात करती हूँ, सो देखो इनमें भी आपके पास क्या है, डिफरेंस है, सो ये भी नहीं होगा। सो ए और सी आपका क्या होगा, करेक्ट होने वाला है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।